नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला संवाददाता वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, आज हम आपको लिए चल रहे हैं, यहां का नज़ारा दिखा रहे हैं सुइया पहाड़ का। सुइया पहाड़ आज से 20-30 साल पहले वहां के जो रास्ते, सुइया पहाड़ नाम कैसे पड़ा दर्शकों, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। वहां के जो रास्ते थे बिल्कुल चलने के बाद सुई के तरफ चुभते थे। तमाम जो जल अभिषेक करने जा रहे थे श्रद्धालु, तमाम लोगों के पैरों में उसी तरह चुभने का एहसास हो जाता था। इसी की वजह से वहां का नाम सुइया पहाड़ रखा गया है। जैसा कि आप जान रहे हैं, कई सामाजिक संगठन ऐसे में सार्वजनिक कांवरिया संघ झाझा, जिसके संयोजक हैं अध्यक्ष अजय पासवान, साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी के नेता राजू यादव, तमाम कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक कांवरिया संघ की स्थापना करते हुए तमाम कांवरियों की सेवा की। दर्शकों, आप जानते हैं सावन का महीना होता है मस्ती का महीना, प्यार का महीना। ना जाने गीतकार कितने सावन के महीनों पे गीत लिख डाले हैं, और कई अपने चलचित्र सिनेमा में भी देखा होगा हीरो सावन के गीतों पे गा के रिझाने का प्रयास करती है, हीरोइन भी और हीरो भी करते हैं। ऐसे में सावन में मस्ती नहीं हो, नाच गाना नहीं हो तो संभव ही नहीं। किस तरह से जो लड़कियाँ हैं थिरक रही हैं इस डीजे के डांस पे, बाबा भोले के गीत पे। हम आपको एक खूबसूरत सा नज़ारा दिखाना चाहेंगे सुइया पहाड़ का। अब तमाम सामाजिक संगठन जिस हम झाझा एक तरह से गर्व की धरती रही, हमारी खास करके गर्व की बात है दर्शकों के, मैं झाझा, मेरा जन्म स्थान है झाझा से मैं हूँ। और जिस तरह से झाझा के तमाम लोग समाज सेवा में इस कदर डूब जाते हैं, कई सामाजिक संगठन हमारी झाझा में है जो हमेशा से मानव सेवा को समर्पित रहते हैं। हमने मारवाड़ी युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मुलाकात करने का प्रयास किया है। उन्होंने भी कहा कि मानव सेवा दुनिया का सबसे बड़ा धर्म। सच बात भी यही है कि जो किसी के दुख को अपने दिल में उतार लेता अच्छा मानव महसूस करता, वही सच्चा और अच्छा मानव होता है। अब मानव जीवन अगर एक बार मिला तो क्यों ना हम लोग अच्छा करें, क्यों ना लोगों को प्यार करें, क्यों ना लोगों को सम्मान करें। इस तरह से तमाम, जिस तरह से लोग एक तरह से पुण्य अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों का प्यार आशीर्वाद अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे में एक छोटी सी पहल ना जाने कितने लोगों के दिलों को सुकून दे जाती है। देखिएगा हमारी ग्राउंड रिपोर्ट का भी कैंप है, वहाँ भी सारी व्यवस्था है। झाझा की ओर से एक सार्वजनिक कैंप की व्यवस्था की गई है, जहाँ खाना पीना गर्म पानी का व्यवस्था उन लोगों ने भी किया है। क्या सर, ऐसा नहीं लगा पूरा झाझा आज यहाँ आप एकदम निश्चित उपस्थित है? पहाड़ लग रहा है और पूरे झाझा के लोग श्रद्धालु बन करके यहाँ कांवरियों का सेवा करने के लिए आते हैं और कांवरियों का सेवा कर रहे हैं। हम लोग सार्वजनिक कांवरिया सेवा से भी झाझा जम्मू के सहयोग से हम लोग निःशुल्क सेवा, डॉक्टर कांवरिया सेवा, जैसे नींबू पानी, गर्म पानी, शरबत, चाय और दवाई, मुँह, फल फ्रूट, सभी सहयोगी दल हम लोग मिलकर एक झाझा से हम लोग चलकर सुइया पहाड़ के पास आए, जो कि हम लोग सार्वजनिक तरफ से निःशुल्क सेवा करने के लिए हम लोग एक संगठन बनाए, जो कि बाबा भोले की कृपा से हम लोग को आशीर्वाद मिला है कि हम लोग मौका मिला इस बात के लिए। यही बात कहकर मैं समाप्त करूँ। आज सार्वजनिक हम लोग जो है बस स्टैंड से निःशुल्क सेवा करने के लिए आए हैं। हमारे अजय पासवान के अध्यक्षता में सभी धर्म के लोग एक साथ हैं और सार्वजनिक ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं और चल बढ़कर जो है आगे साल और करेंगे, और हमारा सभी सहयोग, सभी झाझा जनता के सहयोग है। बोल बा।